नमस्कार बच्चों, आज की हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्लास में हम एमएस एक्सेस में डेटाबेस क्रिएट करना, टेबल्स क्रिएट करना और किस तरह से डेटा स्टोर करना है, किस तरह से अपनी टेबल की जो डिस्क्रिप्शन है जिसमें कि हम फील्ड का नाम, उसका साइज़, प्राइमरी की असाइन करना, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। हमने डेटा कंस्ट्रेंट्स, डेटा वैलिडेशन के बारे में भी जाना कि ये क्या होते हैं, और अब इनको समझने के बाद हमें इनको प्रैक्टिकली करके देखना है किस तरह से हम खुद एमएस एक्सेस में डेटा वैलिडेशन रूल्स लिखकर गलत डेटा एंट्री को रोक सकते हैं। वो चीज़ें हमें करके देखनी है। एमएस एक्सेस जो डेटाबेस है उसके अंदर हमने डेटाबेस क्रिएट करा था और डेटाबेस के अंदर हमने एक टेबल क्रिएट करी थी, राइट? इतना हमने करके देखा था। और टेबल में हमने बताया कि कौन कौन सी फील्ड्स होंगी, उन फील्ड्स का टाइप क्या होगा। तो अभी सबसे पहले फील्ड टाइप के बारे में ही बात करते हैं। जब आप टेबल डिज़ाइन करते हैं, एक होता है डिज़ाइनिंग अ टेबल। तो अगर हम टेबल की डिज़ाइन की बात करते हैं, टेबल के डिज़ाइन में हम बताते हैं कि फील्ड कौन कौन सी होंगी। तो एक तो आप फील्ड का नाम देते हैं, तो ये नाम जो आप दे रहे हैं ये प्रॉपर होना चाहिए। वैसे आप कुछ भी दे सकते हैं, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, लेकिन कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं, कुछ कायदे हैं कि भाई इस तरह से दें। एक तो सबसे पहली बात कि रेलेवेंट होना चाहिए। आप उस फील्ड में किस तरह का डेटा स्टोर कर रहे हैं उसके अनुसार आप फील्ड का नाम दीजिए। फॉर एग्जांपल, आप जैसे कि अगर फील्ड में आप नाम स्टोर करने वाले हैं स्टूडेंट का, तो आप उसका नाम दे दीजिए स्टूडेंट नेम या फिर स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, इस तरह से कुछ दे दीजिए, राइट? तो नाम जो है रेलेवेंट होना चाहिए और उसकी स्टार्टिंग जो होगी अल्फाबेट से होगी, ये चीज आपको याद रखनी है। तो फील्ड का नाम देंगे आप और उसके बाद आप बताएंगे फील्ड का टाइप। फील्ड का टाइप क्या हो, तो टाइप में हमारे पास बहुत तरह तरह के हैं कि भाई हम, एक तो है कि नंबर स्टोर कर रहे हैं, एक है कि हम टेक्स्ट स्टोर कर रहे हैं, जैसे हमें एड्रेस स्टोर करना है, या अगर हमें नाम स्टोर करना है, फ़ोन नंबर करना है, तो इन सब चीज़ों के लिए हम टेक्स्ट वाला ले सकते हैं। अगर हमें मार्क्स स्टोर करने हैं, फीस स्टोर करनी है, हम नंबर ले सकते हैं। नंबर में भी हम बता सकते हैं हमें विदाउट डेसिमल, डेसिमल, किस तरह का नंबर स्टोर करना है, राइट? एक आपने इसमें फील्ड देखी है ऑटो नंबर। ऑटो नंबर क्या होता है, जैसे कि सीरियल नंबर होता है। सीरियल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, अपने आप, मतलब बिना कुछ सोचे समझे पहला जो हम रिकॉर्ड डाल रहे हैं उसका ऑटो नंबर क्या होगा, 1, दूसरे का 2, तीसरे का 3। तो जैसे सीरियल नंबर होता है, इस तरह से अगर हमें कोई चीज़ हमें अरेंज रखनी है, सीरियल नंबर क्या कर रहा है, आपकी नंबरिंग जो है कि पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह की कुछ ऑर्डरिंग के लिए आपको कोई नंबर स्टोर करना हो। और ऑटो नंबर क्या होता है कि अगर आप इसमें डेटा नहीं डालेंगे तो डेटा अपने आप आ जाएगा। जैसे आपने रिकॉर्ड डाला, आपने नाम डाला, आपने मार्क्स डाले और चीज़ें डाली, आपने सीरियल नंबर मान लीजिए एक फील्ड लिया, आपने नहीं डाला डेटा, अपने आप उसमें डेटा आता है ऑटो नंबर लेने से। अपने आप 1 2 3 4 की सीरीज जो है वो जनरेट हो जाएगी। आपने 4 रिकॉर्ड डाले हैं, जैसे ही आप 5वां डालने लग जाएंगे अपने आप उसमें 5 आ जाएगा, राइट? तो ऑटो नंबर, जिससे कि खुद नंबर्स अपने आप भरते हैं सीरियल नंबर्स में, 1 2 3 4, इस तरह से।
तो नंबर आप ले सकते हैं, टैक्स ले सकते हैं। कई बार होता है कि हमें केवल सिंगल वैल्यू, यस नो, ट्रू फॉल्स, हाँ ना जैसी चीज़ें स्टोर करनी है, केवल सिंगल करेक्टर स्टोर करना है, 01, राइट। जैसे हम किसी चीज़ का बता रहे हैं कि स्टेटस क्या है, एक्टिव है या इनएक्टिव है, कोई ऐसी चीज़ बता रहे हैं, तो उसके लिए हम केवल एक करेक्टर से उस चीज़ को बताना चाहते हैं, तो उस केस में हम ले सकते हैं बुलियन। बुलियन, बुलियन जिसमें कि हम सिंगल वैल्यू, सिंगल करेक्टर स्टोर करते हैं। जैसे कि मैंने कहा आपको, यस नो, ट्रू फॉल्स, एक्टिव इनएक्टिव, इनके लिए आपको 0 1 1 0 या यस नो, इस तरह से अगर आपको स्टोर करना हो तो आप बुलियन ले सकते हैं सिंगल करेक्टर के लिए, राइट right? तो ऑटो नंबर ले सकते हैं, नंबर ले सकते हैं, टैक्स ले सकते हैं, बुलियन ले सकते हैं। इसके अलावा और भी कई हैं, जैसे कि एक है मेमो। मेमो, मेमो आप कब लेंगे, जैसे कि मान लीजिए आपको किसी चीज का डिस्क्रिप्शन स्टोर करना है, आपको बहुत लंबा टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट जब आपको टाइप करना है, आपको एंटर कराना है किसी फील्ड में, तब आप उसका फील टाइप लेंगे मेमो। तो मेमो लेने से क्या होगा कि आप उसमें काफ़ी सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं, अल्फा न्यूमरिक, राइट। और जैसे कि आपको किसी चीज़ में कमेंट्स आप यूज़र से लेना चाह रहे हैं किसी चीज़ के ऊपर, या जैसे अगर स्टूडेंट की रिपोर्ट कार्ड की कोई टेबल है तो उसमें टीचर ने क्या रिमार्क्स दिए हैं वो अगर आपको भंडारित करने हैं, तो उसके लिए मेमो होते हैं। तो ये फील्ड्स हैं। अब इन फील्ड्स में आप अपना डेटा जो है वो स्टोर करेंगे, तो आप अगर फील्ड टाइप सही रखेंगे तो सही रहेगा आपका। पहला जो कंस्ट्रेंट वो है वो तो यही हो गया कि आप फील्ड सही लीजिए। जैसे कि मैंने आपको कहा था फ़ोन नंबर है, हालांकि आप उसमें नंबर स्टोर करते हैं 0 to 9, लेकिन आप देखिए कभी भी आप फ़ोन नंबर में कैलकुलेशन नहीं करेंगे, आप उसमें प्लस माइनस नहीं करेंगे, मोर देन लेस देन नहीं करना। फ़ोन नंबर में हो सकता है हाइफ़न डैश ऐसी कोई चीज़ भी आ जाए, इसलिए फ़ोन नंबर को कभी भी नंबर नहीं लिया जाता। वो चीज़ें जो न्यूमेरिक हैं, जिनमें आपके मार्क्स हैं, फीस है, इस तरह की चीज़ें नंबर फील्ड टाइप में जाएंगी। फ़ोन नंबर है या कुछ है तो टेक्स्ट में जाएगा, राइट। वो टेक्स्ट रखेंगे आप उसको, तो आपको कोई भी फील्ड है उसका जो आप फील्ड टाइप दे रहे हैं वो बहुत ध्यान से चुनना है। पहला तो आप यहीं पे कई बार हम गलती कर देते हैं, जैसे कि सपोज आप डेट स्टोर कर रहे हैं तो डेट के लिए आपको फील्ड टाइप मिल जाएगा डेट, डेट टाइम, तो आप डेट टाइम वाली फील्ड्स ले सकते हैं जब आपको डेट या टाइम स्टोर करनी हो, राइट। तो इस तरह से कई अलग अलग फील्ड्स हैं, और अलग अलग डेटाबेस में कुछ थोड़ा बहुत अंतर होता है अलग अलग तरह की, जैसे किसी में डेसिमल बोल रहे हैं, किसी में नंबर बोल रहे हैं, तो ये जो नाम है इससे हम बस वो चीज़ कर रहे हैं। अदरवाइज आप नंबर स्टोर करना है कुछ, इस पे प्लस माइनस हो सकता है या कुछ कैलकुलेशन हो सकती है या कुछ और न्यूमेरिक कंपेरिजन हो सकते हैं, उसमें न्यूमेरिक लेंगे, अदरवाइज टेक्स्ट लेंगे, राइट। तो हमेशा अच्छे से फील्ड टाइप का चुनाव करना है सोच समझ के। फील्ड का नाम दे दिया, फील्ड का टाइप दे दिया, अब फील्ड का कुछ और डिस्क्रिप्शन देना है तो वो दे सकते हैं। उसके बाद ये चीज़ आप कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपको अब ये भी सोच के चलना है कि हम अपनी फील्ड में एक प्राइमरी की हमारी जो है वो किस फील्ड पर अप्लाई करेंगे। मान लीजिए आप केवल नाम ही स्टोर कर रहे हैं उसमें कि हर एक स्टूडेंट का नाम, तो नाम भी आप देंगे स्टूडेंट का, जब देंगे तो स्टूडेंट का रोल नंबर है या रजिस्ट्रेशन नंबर है उससे देंगे, तो आप फिर उस पर्टिकुलर टेबल के अनुसार क्या करेंगे, आप अप्लाई करेंगे उस पे प्राइमरी की। अब यहाँ पर भी दो चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए कि एक मैंने कहा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन टेबल, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन टेबल में जो स्टूडेंट की आईडी होगी उस पर हम प्राइमरी की अप्लाई कर सकते हैं,
क्यों कर सकते हैं? स्टूडेंट आईडी एक बार ही आएगी, एक ही रिकॉर्ड आएगा इस पर्टिकुलर आईडी का, रिपीट नहीं होगा ये आईडी, राइट? लेकिन अगर हम बात करें स्टूडेंट फीस की, जिसमें हम स्टूडेंट हम स्टोर कर रहे हैं स्टूडेंट का आईडी, उसकी जो भी मंथ है जब डेट रिसीव हुई है वो फीस, वो और कितनी। अब क्या है कि इसमें हम स्टूडेंट आईडी पर प्राइमरी की नहीं डाल सकते, क्यों? क्योंकि स्टूडेंट की आईडी कई कई बार जाएगी, जैसे कि अगर उसने जो क्वार्टरली फीस होती है फर्स्ट क्वार्टर की फीस जमा कराई तो उसमें भी उसका आईडी जाएगा, फिर जब दूसरे क्वार्टर की फीस जमा कराई तब भी वो आईडी जाएगा, तो आईडी रिपीट होगा। तो हम इस टेबल में फीस वाली में स्टूडेंट आईडी पर प्राइमरी की नहीं डालेंगे, जबकि यहाँ हमने डाला था। तो स्टूडेंट आईडी है और हमेशा उस पर प्राइमरी की डले, ऐसा नहीं होगा। आपको सोचना होगा, समझना होगा कि कौन सी फील्ड है जिसमें डेटा क्या आ रहा है, यूनिक आ रहा है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आईडी जो होगी वो यूनिक नहीं होगी, क्यों? क्योंकि रिपीट होगी। एक स्टूडेंट साल में कई बार फीस जमा कराता है और हो सकता है कोई और तरह की फीस भी जमा करे। अब हम सारा ही डेटा इसमें डाल रहे हैं फीस रिलेटेड, तो फिर उस केस में स्टूडेंट आईडी यहाँ पर प्राइमरी की नहीं होगी, राइट? और वो कैसी होगी? वो होगी उस पर डलेगी फॉरेन की। उससे क्या होगा, हम उसको लिंक कर देंगे यहां से कि यहां जो आईडी है स्टूडेंट की, जो आईडीज यहां हैं, जो स्टूडेंट्स यहां हैं, उन्हीं का फीस डिपॉजिट होगा। जो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हैं उन्हीं की फीस डलेगी। तो इस तरह से बच्चों सोच के आपको टेबल की डिजाइनिंग करनी है, राइट? एक बार टेबल अच्छे से डिजाइन हो जाएगी तो फिर उसमें वैसे ही ये, जैसे अगर डिजाइनिंग सही है तो आपका जो डेटा इनपुट होगा वो भी सही होगा, गलत डेटा एंटर नहीं हो पाएगा। और हम कंस्ट्रेंट्स अप्लाई कर ही रहे हैं, इसके अलावा हम डेटा वैलिडेशन जो रूल हैं वो भी लिख देंगे। तो एमएस एक्सेस में जब आप टेबल खोलते हैं डिजाइनिंग, उसमें तो नीचे आप देखिए फील्ड प्रॉपर्टीज आती हैं कुछ, वहाँ पर ये सारे काम होते हैं जहाँ पे हम वैलिडेशंस वगैरह डिफाइन करते हैं कि भाई इस फील्ड में किस तरह का डेटा आए और किस तरह का डेटा ना आए। जैसे कि मुझे लगाना है कि रोल नंबर जो है वो 50 या 50 से कम होगा। हर एक क्लास में हमें पता है कि 50 से ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, और हमने वैलिडेशन डाल दिया कि जब भी हम क्लास का डेटा डाल रहे हैं तो वहाँ पर जो स्टूडेंट का रोल नंबर है वो 50 से ऊपर नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, बाय चांस हम रोल नंबर 49 डाल रहे हैं, हमसे एक नाइन गलती 499 हो गया, तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि 499 तो वैलिड नहीं है। तो इस तरह से आपको सोच समझ के चीज़ें, टेबल की डिज़ाइनिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक बार टेबल की डिज़ाइनिंग हो गई, टेबल को सेव कर दीजिए। उसके बाद आप डेटा शीट व्यू में, अभी हम कौन से व्यू में थे, डिज़ाइन व्यू में, टेबल का डिज़ाइन व्यू। उसके बाद हम डेटा शीट वाले पे व्यू पे क्लिक करेंगे, हम डेटा एंट्री वाले व्यू में चले जाएंगे और फिर वहाँ हम डेटा एंट्री कर सकते हैं। यहाँ डेटा एंट्री करते वक्त अगर हम कोई मिस्टेक करते हैं तो फिर हमें यहाँ पे एक अलर्ट मैसेज आ जाता है, प्रॉम्प्ट आ जाता है कि भाई आपने ये गलती करी है, आप उस गलती को सुधार करके अपनी एंट्री को सही कर सकते हैं, राइट? तो चलिए अब हम एमएस एक्सेस ओपन करते हैं और उसमें काम करके देखते हैं किस तरह से हमने जो टेबल बनाई थी वो अब कैसी दिख रही है, कैसे उसकी डिजाइनिंग हम इम्प्रूव कर सकते हैं, वो सारी चीजें देखते हैं। तो हमने एक डेटाबेस, टेबल ओपन करने से पहले हमें डेटाबेस ओपन करना पड़ेगा। हमने आईटी क्लास डीबी नाम से डेटाबेस बनाया था। ये एमएस एक्सेस ओपन हो गया है बच्चों, यहाँ पे डेटाबेसेस आ रही हैं। अगर आपको कोई नया डेटाबेस बनाना हो तो आप ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करेंगे, फिर डेटाबेस को एक नाम देकर उसके अंदर आप काम शुरू कर सकते हैं। अभी हमारा डेटाबेस बना हुआ है, हमें ओपन करना है उसे। तो यहाँ आ रहे हैं हमारे रीसेंट डेटाबेसेस, आपको कौन से डेटाबेस में जाना है उस पर क्लिक करिए,
क्लिक करेंगे तो आपको यहां एक पैनल दिखता है ऑल टेबल्स। लेफ्ट हैंड साइड में एक पैनल हमें मिलता है ऑल टेबल्स का, जिसमें हमारे डेटाबेस में ये जो डेटाबेस हमने चुना उसके अंदर जो भी टेबल्स हैं वो हमें यहाँ इस लेफ्ट पैनल में दिख जाएंगी, ऑल टेबल्स के पैनल में। तो अभी हमने केवल एक ही टेबल बनाई है इसलिए ये टेबल ही दिखाई दे रही है। ये देखिए, ये हमारी टेबल थी। अब हम कौन से व्यू में हैं? हम डिजाइन व्यू में चलते हैं, इसका डिजाइन देखते हैं। रोल नंबर, उस पर हमने प्राइमरी की अप्लाई करी है। देखिए ये प्राइमरी की का आ रहा है, यहाँ पर प्राइमरी की दिखाई दे रही है, एक चाबी जैसा कुछ डिजाइन यहाँ पर, छोटा सा आइकन। इसका मतलब है हमने रोल नंबर पर प्राइमरी की लगा रखी है। तो इस टेबल में हम स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, एड्रेस, ये सारी डिटेल्स डाल रहे हैं। आपको और भी कोई फील्ड डालनी है आप यहाँ पर डाल सकते हैं। मान लीजिए आपको फोन नंबर डालना है तो यहाँ पर आप फोन नंबर डाल देंगे। राइट, यहाँ पर जब क्लिक करेंगे डेटा टाइप पे तो आपको बताना होगा कि कौन सी डेटा टाइप आप लेना चाहते हैं। कौन कौन सी ले सकते हैं? टेक्स्ट, मेमो, नंबर, डेट एंड टाइम, करेंसी, ऑटो नंबर। तो ऑटो नंबर अगर आप लेते हैं तो अपने आप नंबर्स जनरेट होते हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर तो हमें डालना है। राइट, इसके अलावा येस नो, ओले ऑब्जेक्ट, बहुत तरह तरह के आ रहे हैं। हमें टेक्स्ट लेना है यहाँ पर। ओले ऑब्जेक्ट क्या होता है? जैसे कि अगर हम स्टूडेंट की मान लीजिए पिक्चर डालना चाहें, आप अपने डेटाबेस में क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट की फोटो भी डाल सकते हैं। तो स्टूडेंट की फोटो डालनी है तो उसके लिए कौन सा डेटा टाइप लेंगे? उसके लिए इसमें जो डेटा टाइप आ रहा है एमएस एक्सेस में वो है ओले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। ये अगर आप फील्ड टाइप लेंगे तो जैसे कि मान लीजिए आप चाहते हैं कि स्टूडेंट की आप पूरी डिस्क्रिप्शन स्टोर कर रहे हैं और साथ ही साथ एक फील्ड हो जो उसकी फोटो भी स्टोर कर ले, तो वो फोटो, जैसे कोई फोटो क्या है, एक अलग फाइल होगी, तो एक अलग फाइल से आपको लिंक करना है तो आप ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आप फोटो चुन लेंगे, आप ब्राउज करके फोटो चुन लेंगे, फोटो यहाँ पर उसका पाथ आ जाएगा, जब भी आप देखना चाहेंगे वो फोटो आपको दिखती रहेगी, आप बच्चे की जो फोटो है उससे यहाँ पर लिंक इस्टेब्लिश कर पाएंगे। राइट, तो सही फील्ड टाइप चुनकर, सही फील्ड का नाम देकर एक अच्छी सी टेबल की डिजाइनिंग जो है, सही डिजाइनिंग हम कर सकते हैं, और सही डिजाइनिंग होगी तो डेटा एंट्री भी सही होगी। चलिए बच्चों, यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से आने के बाद क्लास को आगे बढ़ाएंगे।
चलिए बच्चों, ब्रेक हमने ले लिया, क्लास को आगे बढ़ाते हैं और हमने टेबल की डिजाइनिंग के बारे में थोड़ी सी बात की। चलिए अब थोड़ा सा हम डेटा एंट्री करते हैं, थोड़ा सा एमएस एक्सेस पर प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि किस तरह से चीज़ें हम करी जाती हैं। इसमें डेटा एंट्री भी हमने थोड़ा पिछली कक्षा में भी करी थी। तो यहाँ पर जैसे हमने ये टेबल के डिज़ाइन व्यू में हैं, हमने टेबल में रोल नंबर, स्टूडेंट नेम और डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, एड्रेस, ये सब चीज़ें ली हैं, राइट। अब हम क्या करेंगे, डेटा शीट व्यू में जाएंगे। अभी हम डिज़ाइन व्यू में थे, डेटा शीट व्यू में जानेंगे, हम टेबल को सेव कर देंगे, है ना, जो भी चेंजेस करे हैं हमने उनको सेव कर देंगे, राइट। अब देखिए यहाँ पे रोल नंबर आपने डाला था 1, 2, 12, 22, राइट। जैसे ही अगर हम रोल नंबर सेम डालते हैं एरर आ जाती है, क्यों, क्योंकि रोल नंबर पर हमने प्राइमरी की अप्लाई कर रखी है। तो प्राइमरी की डाल रखी है रोल नंबर पे, तो ना तो रोल नंबर खाली छोड़ सकते हैं, और हमेशा इसमें डेटा कैसा डालेंगे, यूनिक। अगर ऐसा कोई रोल नंबर डाला जो पहले से है तो ये एरर दिखा देगा, क्योंकि हमने प्राइमरी की डाली हुई है। फिर ये स्टूडेंट का नाम हम भर रहे हैं यहाँ पर, राइट। और फिर डेट ऑफ बर्थ हमने यहाँ पे फिल करी है, फादर्स नेम हमने करा है, राइट। एड्रेसेस हमने स्टोर करे हैं, कभी भी आपको कोई एडिटिंग करनी है आप सीधे कैसे करेंगे, क्लिक कर दीजिए, जैसे कि अभी हम यहाँ पर कर रहे हैं, एड्रेस पे क्लिक करा हमने, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था डीडी, उसको मैं सही कर रही हूँ, राइट। कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं, हमने डाला अभी एक नई फील्ड, इसलिए देखिए सभी में खाली आ रही है, क्योंकि हमने अभी अभी बाद में डाला है, ये टेबल हमने पहले बना ली थी। तो कॉन्टैक्ट नंबर हम ऐड कर सकते हैं। अब देखिए अगर आप इसको नंबर लेते तो क्या होता, आप केवल इसमें ऐसे नंबर ही डाल सकते थे, है ना, लेकिन अब हम क्या क्या डाल सकते हैं, जैसे मैंने डाला 0141-2, ये देखिए डैश भी डाल दिया, तो डैश ही एक्सेप्ट कर पा रहा है। अगर आप नंबर डालते तो आप इस तरह से ही डाल पाते केवल, है ना। और कई बार होता है जैसे हमने कुछ नंबर लिखा 91-98, है ना, तो इस तरह से ये देखिए अब टेक्स्ट जा पा रहा है। तो कई बार स्लैश भी आता है, मान लीजिए आप दो नंबर्स कुछ बता रहे हैं तो स्लैश भी आप लगा लेते हैं, है ना। तो इस तरह से, इसलिए हमने कॉन्टैक्ट नंबर को टेक्स्ट लिया है, राइट। अब ये हमारा बन गया, तो ये अब डिजाइन व्यू में जाएंगे, तो आप इसका ये देखिए डिजाइन में यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं कुछ, अगर टेबल से संबंधित तीन ही चीजें आ रही हैं यहाँ पे, फील्ड का नाम, डेटा टाइप और डिस्क्रिप्शन। एक चलिए यहाँ पे एक ओले ऑब्जेक्ट की और आपको दिखाते हैं, जैसे हमने डाला फोटो, राइट। और फोटो जो है स्टूडेंट की डालने के लिए हमने लेट से इसमें डाल दिया ओले ऑब्जेक्ट, राइट। अब डिजाइन व्यू में ये हो गया हमारा डिजाइनिंग पूरा, डेटा शीट व्यू में जाते हैं, सेव करेंगे चेंजेस। अब ये देखिए ये फोटो वाला ब्लैंक है, तो अब आपको फोटो डालनी होगी, तो आप क्या करेंगे, फोटो डालने के लिए आप यहाँ पे इसको आपको लिंक करना है, आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जो पाथ है वो डालना होगा, मतलब आपको फोटो सेलेक्ट करनी होगी बेसिकली। जैसे कि राइट क्लिक करा मैंने और यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है शॉर्टकट मेन्यू में, इंसर्ट ऑब्जेक्ट, तो इंसर्ट ऑब्जेक्ट में जाएंगे तो दो ऑप्शंस आ रहे हैं, क्रिएट न्यू या क्रिएट फ्रॉम फाइल। तो क्रिएट फ्रॉम फाइल का मतलब है कि आप ब्राउज करेंगे, राइट, ब्राउज करके और आप ढूंढ के
बता सकते हैं कि वो फाइल जो है बच्चे की जो फोटो आप डाल रहे हैं वो कहाँ पर है। लेट्स से हमने ये पिक्चर ले ली और ओके कर दिया, राइट ओके कर दिया। अब यहाँ पर एक पैकेज लिखा हुआ आ रहा है, मतलब आपने क्या करा है कि वो फोटो आपने चुनकर यहाँ डाल दी है वो, जो कि इसके अंदर सेव हो गई है, राइट। तो आप कभी भी ऐसे डबल क्लिक करेंगे ना तो वो फोटो आपको दिख जाएगी। भाई यहाँ तो दिखना संभव है नहीं, यहाँ आपने क्या करा, आपने पाथ डाल दिया एक तरह से। कैसे डाला पाथ, आप उस फील्ड पर गए, जैसे कि अब ये दूसरा रिकॉर्ड है इसके लिए मुझे डालना है, राइट क्लिक करना है हमें, जैसे कि यहां पे डालना चाह रहे हैं, राइट क्लिक करिए और फिर आप चुनेंगे इंसर्ट ऑब्जेक्ट, राइट इंसर्ट ऑब्जेक्ट चुनेंगे और फिर यहां पे दो ऑप्शन है, क्रिएट न्यू या क्रिएट फ्रॉम फाइल। मान लीजिए नया बनाना हो तो नया भी बनाया जा सकता है, और अगर पहले से कोई फाइल बनी हुई है फोटो की, तो एक्चुअल में यही होता है, हम सब बच्चों की फोटो स्कैन करके रखते हैं। और अब जैसे कि यहाँ पर हम फाइल चुन लेते हैं, ओके करेंगे, ओके। अब ये आपकी फोटो आ गई, इसमें आप डबल क्लिक करेंगे जब तो आप वो फोटो देख पाएंगे। अब ये हमारा दूसरा रिकॉर्ड है, दूसरे रिकॉर्ड के लिए भी हम डाल सकते हैं, तो राइट क्लिक करके इंसर्ट ऑब्जेक्ट करना है हमें, और फिर हम इस तरह से सभी रिकॉर्ड्स के लिए डेटा एंट्री कर सकते हैं। राइट डेटा शीट व्यू में हम जाते हैं तो हम डेटा एंट्री कर पाते हैं, और डिजाइन व्यू में जाते हैं तो हम यहां से उसकी डिजाइनिंग कर पाते हैं। अब आप यहां डिजाइन व्यू में देखिए, जैसे हम रोल नंबर पर हैं, रोल नंबर में यहां पर आ रहा है फील्ड प्रॉपर्टीज। ये फील्ड प्रॉपर्टीज जो है, यहां से आप अपने फील्ड के लिए डेटा वैलिडेशन कर सकते हैं, फील्ड का क्या नाम डिस्प्ले करना है वो सेट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि ये कोई न्यूमरिक है फील्ड, डेटा टाइप जो है वो न्यूमरिक आपने ली है, तो आप डेसिमल अगर वैल्यू दिखाना चाहते हैं तो डेसिमल के बाद कितनी प्लेसेस तक आप नंबर लिखना चाहते हैं, राइट। आप फील्ड का साइज अगर बताना चाहते हैं कि भाई नहीं इसमें तो बहुत छोटा नंबर आएगा या बहुत बड़े बड़े नंबर आएंगे, मान लीजिए आप फीस वगैरह स्टोर कर रहे हैं तो आप बताना चाहें कि भाई फीस जो है वो मान लीजिए लैक्स में है, थाउजेंड में है, किस में है, अगर आप उसका जो साइज है वो बताना चाहें तो वो बता सकते हैं, राइट। डेसिमल प्लेसेस बता सकते हैं, डिस्प्ले कैसे होगा वो बता सकते हैं, बाय डिफॉल्ट अगर यूजर उसकी कोई वैल्यू ना दे तो क्या वैल्यू जाएगी, वो चीज कहलाता है डिफॉल्ट वैल्यू, तो वो आप बता सकते हैं। तो ये सब चीजें बताने के लिए हमें नीचे, ये देखिए हमने कौन सी फील्ड चुनी हुई है, रोल नंबर, तो नीचे आ रहा है फील्ड प्रॉपर्टीज, ये जहां पे माउस का ये पॉइंटर हिल रहा है, ये देखिए ये फील्ड प्रॉपर्टीज का पैनल है। यहां पर ये अलग अलग फील्ड प्रॉपर्टीज आ रही हैं, ये देखिए फील्ड साइज, फॉर्मेट, डेसिमल प्लेसेस, कैप्शन, डिफॉल्ट वैल्यू, वैलिडेशन रूल, वैलिडेशन टेक्स्ट, और यहां पे आप जिस भी फील्ड प्रॉपर्टी पे जाएंगे उसके बारे में डिस्क्रिप्शन यहां पर आता जा रहा है। ये देखिए जैसे मैंने वैलिडेशन टेक्स्ट पर क्लिक किया तो यहां पर मैसेज इसका डिस्क्रिप्शन आ रहा है, द एरर मैसेज दैट अपीयर्स व्हेन यू एंटर अ वैल्यू प्रोहिबिटेड बाय द वैलिडेशन रूल। यानी कि वैलिडेशन टेक्स्ट क्या है, वैलिडेशन टेक्स्ट वो एरर मैसेज है जो कि दिखाई देगा कब, जब यूजर गलत इनपुट देगा, गलत वैल्यू डालने पर जो एरर मैसेज आता है वो हम किसके अंदर लिखते हैं, वैलिडेशन टेक्स्ट में।
आप क्लिक करते हैं वैलिडेशन रूल पर, तो वैलिडेशन रूल के लिए लिखा हुआ आ रहा है कि वैलिडेशन रूल एक स्टेटमेंट है, एक एक्सप्रेशन है जो कि आपके द्वारा इनपुट की गई वैल्यू को लिमिट करता है, कंट्रोल करता है। आप क्या एंटर कर रहे हैं उसकी वैल्यू में, उस चीज को कंट्रोल करता है, राइट। इसी तरह से डेसिमल प्लेसेस, फॉर्मेट, कैप्शन। कैप्शन क्या होता है कि लेबल क्या रहेगा इस फील्ड का, दिखाई क्या देगा लेबल, राइट। तो जैसे रोल नंबर, अभी तो हमने सिंपली रोल नंबर लिख दिया, हम इसको इस तरह से अच्छे से लिखना चाहें, आर कैपिटल ओ डबल एल, फिर उसके बाद हम लिख रहे हैं एन यू एम बी आर रोल नंबर। तो हमने कैप्शन दे दिया रोल नंबर पूरा लिख के, राइट। तो अब आप जब जैसे जब एंट्री करेंगे या कोई और रिपोर्ट वगैरह देखेंगे तो आपको जो कैप्शन है उसका वो दिखाई देगा रोल नंबर। ये देखिए यहां पर अब हम डेटा शीट व्यू में हैं और हमने आर ओ एल एन ओ जो रोल नंबर दिया था वो नहीं दिखाई दे रहा। क्या दिखाई दे रहा है? वह दिखाई दे रहा है जो हमने कैप्शन में दिया। तो फील्ड प्रॉपर्टीज में है कैप्शन, और कैप्शन में हम जैसा भी लिखेंगे फील्ड को वैसी ही उसकी लेबलिंग दिखाई देगी। तो कैप्शन में हम क्या देते हैं? फील्ड का लेबल, राइट। तो स्टूडेंट नेम है वो इस तरह से नजर आ रहा है। आप उसके लिए अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो फिर आपको डिजाइन व्यू में जाना पड़ेगा। जब भी आप डिजाइनिंग संबंधित चेंजेस करना चाहेंगे आप डिजाइन व्यू में जाएंगे, चेंजेस करेंगे और सेव कर देंगे। ये देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, आर ओ डबल एल एन ओ रोल नंबर, लेकिन डिस्प्ले क्या हो रहा है? पूरा रोल नंबर। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने कैप्शन में ऐसा लिखा है। अब देखिए वैलिडेशन रूल लगाते हैं। वैलिडेशन रूल एक एक्सप्रेशन होती है, तो ये उसके लिए हमें सहयोग देने के लिए एक्सप्रेशन बिल्डर देता है, जहां पर हम लिख सकते हैं कि भाई ये ऐसा हो। जैसे हमें रोल नंबर पे लगाना है कि रोल नंबर जो है वो क्या होगा, रोल नंबर शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 50 से ज्यादा ना हो। तो ये एक एक्सप्रेशन है, लेस देन इक्वल्स टू 50। तो इस या खुद अगर आपको लिखना आता है तो खुद लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर हेल्प मिलती है। ये सारे ऑपरेटर्स, फंक्शंस, बहुत तरह की चीजें हैं जो हमें यहाँ पे मिलती है। धीरे धीरे आप इसको यूज करना सीखेंगे, राइट। अभी जो सिंपली आपको ये लिखना आता है रोल नंबर लेस देन इक्वल्स टू 50, तो रोल नंबर पर हम हैं ही, तो हमने लिख दिया लेस देन इक्वल्स टू 50, ओके करा। और वैलिडेशन टेक्स्ट ये कब आता है? जब आप गलती करते हैं। तो गलती करने पे क्या दिखाना है? गलती करने पे दिखाना है एरर, लिखा हुआ आ जाए एरर। और क्या लिखा हुआ आ जाए? रॉन्ग इनपुट। और क्या लिखा हुआ आ जाए? रोल नंबर शुड बी लेस देन 50, राइट। चलिए अब इसको सेव कर देते हैं टेबल को और डेटा शीट व्यू में चलते हैं। राइट, अब एंट्री करते हैं। अभी हमने 1, 2, 12 और 22 रोल नंबर्स की एंट्री कर रखी है, तो अब यहां पर हम करते हैं लेट से 45, तो ये ले रहा है। लेकिन अगर 45 लिखते वक्त गलती से मेरे से 5 दो बार दब गया तो क्या ये लेगा? नहीं लिया। देखिए एक एरर मैसेज आ गया, क्या लिखा हुआ है? एरर, रॉन्ग इनपुट, रोल नंबर शुड बी लेस देन 50, ओके करेंगे। यहाँ पे वापस आ गए, अपनी गलती को सुधार करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब ये ले रहा है 45, हमने इसको दिया। राइट, इस तरह से करा जाता है। अब यहां पे हम इस रिकॉर्ड की एंट्री कर देंगे। ये पूरा जो भी रिकॉर्ड हमें डालना है, जो भी मान लीजिए एड्रेस अभी हमारे पास नहीं है, हम केवल कॉन्टैक्ट नंबर डालना चाहते हैं तो वो डाल देंगे।
फिर नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाना चाहें तो वो डाल सकते हैं। अगर हम इसकी फोटो डालना चाहें तो राइट क्लिक करके इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे और क्रिएट फ्रॉम फाइल ब्राउज करके हम पिक्चर दे देंगे। राइट, तो इस तरह से करा जाता है। तो ये कहलाती है गुड डिजाइनिंग। जब आप टेबल डिजाइन कर रहे हैं, टेबल में जो भी फील्ड्स हैं उनके नाम सही दीजिए, फील्ड का टाइप जो भी ले रहे हैं डेटा टाइप वो सही लीजिए, एक्यूरेट लीजिए, जिस तरह का डेटा उसमें आने वाला है उसके अकॉर्डिंग डेटा टाइप लीजिए। आप चाहें तो उसका डिस्क्रिप्शन, आप अपनी जानकारी के लिए केवल कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। फिर हमें एक नीचे पैनल मिलता है फील्ड प्रॉपर्टीज का, उसमें हम फील्ड की प्रॉपर्टीज बता सकते हैं, फील्ड का नाम क्या दिखाई दे, फील्ड में किस तरह का डेटा एंटर हो, अगर गलत डेटा एंटर हो जाए तो क्या मैसेज मिले, ये सारी चीजें आप फील्ड प्रॉपर्टीज में डिफाइन करते हैं। तो इस तरह से अपने टेबल को अच्छे से डिजाइन कर देंगे। एक बार डिजाइन कर दिया फिर उसमें डेटा एंट्री होती रहेगी, कितने भी रिकॉर्ड्स एंटर करे जा सकते हैं। राइट, तो इस तरह से टेबल डिजाइन करके उसकी टेबल में डेटा एंट्री होती है। और इस तरह से जितनी भी टेबल्स हमें चाहिए वो सब टेबल्स को हम डिजाइन करके उसमें एंट्रीज कर देंगे। हम अपने इन टेबल्स में एंट्री कराने के लिए फॉर्म्स भी क्रिएट कर सकते हैं, और फिर टेबल्स में डेटा एंटर हो जाएगा तो हम उनके बेसिस पर रिपोर्ट्स भी जनरेट कर सकते हैं। तो एमएस एक्सेस में हमारे पास फॉर्म्स और रिपोर्ट्स क्रिएट करने की भी फैसिलिटी है। तो बच्चों आज आप इसको प्रैक्टिस करके देखिएगा, डेटाबेस और टेबल्स क्रिएट करके देखिएगा और डेटा एंट्री करिएगा कि किस तरह से हो रहा है, कुछ सैम्पल डेटा लेकर आप एंटर करके देखिए ताकि आप इस पर अपनी पकड़ बना सकें। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आप डेटाबेस को समझ पाएंगे। तो बच्चों आज समय पूरा हो गया है, आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।